हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बहुत टाइम बाद यार आपके लिए ब्लूटूथ स्पीकर की वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों ये है एफएनडी ब्रांड का ब्लूटूथ स्पीकर। हमें लगा कि यार बड़े स्पीकर तो बहुत ज़्यादा दिखा दिए आपको, क्यों ना आप छोटे स्पीकर्स को भी दिखाया जाए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएगा अगर आपको छोटे ब्लूटूथ स्पीकर की वीडियोज़ भी देखनी है सो हम आपके लिए कवर करेंगे। एंड 500 से लेके 5000 के बीच में जितने बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर आते उन सब की वीडियो लेकर आएंगे। सो कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर से दीजिएगा। सो दोस्तों आज करने जा रहे हैं FND W26 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये FND की तरफ से लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर है। आज हम इसे पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको इसका रिव्यू देंगे, साथ में साउंड टेस्ट भी करेंगे एंड बताएंगे कि यार परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है। एंड दोस्तों इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 2100 रुपीज़, यानी कि 2100 रुपये का। अगर आपको ये स्पीकर को परचेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप पीसी मीडिया से इस स्पीकर को परचेस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इसी स्टाइल में FND के पुराने ब्लूटूथ स्पीकर भी आते थे। सो पैकिंग अभी तक सेम ही रखी गई है। देखिए हमें यूज़र मैनुअल मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र मैनुअल पर मिल जाएगी और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। देखिए बॉक्स खाली हो चुका है, अब स्पीकर को निकाल लेते हैं बाहर। देखिए गाइस स्पीकर भी बढ़िया लग रहा है, साथ में हमें चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। देख लेते हैं टाइप सी है या माइक्रो केबल है। अभी भी FND ने इम्प्रूवमेंट नहीं करा है, ये माइक्रो USB केबल के साथ हमें देखने को मिलता है। सो इम्प्रूवमेंट कर दीजिए FND इस जगह में। चलिए अब हम स्पीकर को ओपन कर लेते हैं, अनरैप कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने स्पीकर को देखिए अनरैप कर लिया है एंड पूरा रबराइज्ड फिनिशिंग में हमें ये देखने को मिलता है। क्वालिटी वाइज तो बढ़िया लग रहा है, मतलब पकड़ के इसको काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। चलिए अब हम आपको इसे थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। सबसे पहले इसका हम फ्रंट साइड डिटेल में देखते हैं। देखिए हमें पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है, यहाँ पे से प्लस माइनस के बटन मिलते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए प्ले पॉज का बटन मिलता है। इसी से दोस्तों हम ब्लूटूथ मोड में भी रख सकते हैं इसे, यहाँ पे से दोस्तों मोड को चेंज कर पाएंगे। एंड देखिए FND की ब्रांडिंग भी हमें मिल जाती है। सामने की तरफ से देखिए हमें ग्रिल मिल जाती है एंड दोस्तों इस पर हमें 2 ड्राइवर्स मिल जाते हैं 6-6 वॉट के। सो जो आउटपुट है इसका 12 वॉट का है टोटल। इस साइड से देखिए हमें पोर्ट्स मिल जाते हैं, आई थिंक। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है, TF कार्ड स्लॉट मिलता है, साथ में ऑक्स पोर्ट भी मिल जाता है। बाकी गाइज अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया हमें मिल जाती है, मतलब काफ़ी हैवी स्पीकर है एंड प्रीमियम भी लग रहा है ये काफ़ी। साथ में नीचे से देखिए हमें स्मॉल रबर पैड्स भी इस पर मिल जाते हैं। अब इसे हम ऑन कर लेते हैं एंड आपको इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं। इसे लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। AUX मोड, अभी ये ऑक्स मोड में है, यहाँ पे से मोड चेंज कर पाएंगे हम। FM मोड, ये है FM मोड। ब्लूटूथ मोड, दोस्तों इसे हमने ब्लूटूथ मोड में रख लिया है। TF मोड एंड ये है TF मोड, यानी कि SD कार्ड लगाने के लिए। तो दोस्तों हमने अपना फोन जो है ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब मैं आपके सामने सॉन्ग प्ले करूंगा, प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज करिए, तभी आपको एग्जैक्ट में ऑडियो क्वालिटी का पता लग पाएगा। दोस्तों हमने आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी तो काफ़ी डिटेल में टेस्ट करवा दी है, आप लोग कमेंट करके बताएगा आप लोगों को कैसी लगी है। दोस्तों यार ऑडियो क्वालिटी तो नो डाउट यार बढ़िया लग रही है, मतलब बेस भी इस पर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, साथ में क्लियरिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। 2100 रुपये का दोस्तों ये स्पीकर है, सो प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया लग रहा है, साथ में क्वालिटी भी है यार। आप अगर बोट के देखें या जेब्रोनिक्स के देखें स्पीकर, उन पर क्या है ना लाउडनेस तो अच्छी होती है बट यार इतनी क्वालिटी वाला साउंड नहीं होता है। सो इस पर यार ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी है कि क्वालिटी वाला साउंड हमें पूरा देखने को मिल रहा है। सो अगर आप FND लवर हैं सो डेफिनेटली आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को परचेज कर पाएंगे। अब दोस्तों इस पर हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिल जाता है, सो एक बार कॉल लगा के देखते हैं कि यार
इसकी माइक की क्वालिटी कितनी बढ़िया है। तो मैं सर को एक बार कॉल लगाता हूँ एंड आप लोग देखिए कि यार फ्रिक्वेंसी कैसी कैप्चर कर रहा है इसका माइक, एंड आवाज़ जो अगर हम कॉल्स पिकअप करेंगे इससे तो वो सही तरीके से होगी या नहीं होगी। तो मैं सर को कॉल लगा देता हूँ। सर आप बाहर चल जाइए रूम के ताकि आवाज़ अच्छे से कैप्चर हो जाए। हाँ हेलो हेलो। हाँ सर आवाज़ तो बढ़िया आ रही है, मेरी आवाज़ आप तक सही जा रही है? हाँ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। बहुत क्लियर है ना? हाँ। तो मतलब कॉल्स अटेंड कर पाएंगे इससे बहुत आसानी से, मतलब लगी नहीं लगी जैसे उससे आप उससे बात कर रहे हो ना। हाँ। बहुत सही बात हो रही है, बहुत सही हो रही है ना। तो गाइज देख लीजिए मैंने कॉल लगाई रखी है एंड आपके सामने ही है, टेस्टिंग पूरी आपके सामने ही हो रही है। सो इनबिल्ट माइक्रोफोन जो है इसका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जितने मतलब कंपनी के आते हैं स्पीकर्स उसी तरीके का परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस पर हमें 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है। सो इसका जो बैटरी बैकअप होगा ना वो भी काफ़ी कमाल का होगा, मतलब चार्जिंग का भी आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है, ये आराम से 4-5 घंटा तो नॉन स्टॉप बज ही जाएगा। वैसे हमने टेस्ट नहीं कराया बट प्लेबैक इसका बढ़िया हमें मिल जाएगा। सो ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी स्पीकर की काफ़ी बढ़िया है, इनबिल्ट जो माइक्रोफोन हमें मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको इस स्पीकर का डिटेल पर रिव्यू करके बता दिया है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएगा आपको कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।